विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रामीण इलाकों में सृजन युवा संगठन लांजी किरणापुर तथा बुद्धिजीवियों व ग्रामीणों ने लगाए वृक्ष लांजी। रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रामीण इलाकों में सृजन युवा संगठन लांजी किरणापुर बुद्धिजीवियों व ग्रामीणों के द्वारा ग्राम बेनेगांव के मुक्ति धाम में सृजन युवा संगठन द्वारा 51 वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। विभिन्न स्थलों पर सृजन युवा संगठन लांजी किरणापुर व ग्रामीणों ने आम, लीची, कदम्ब, नीम, बड़ आदि के पौधे लगाए। इस दौरान सृजन युवा संगठन लांजी किरणापुर ने आम व लीची के पौधा लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया व पर्यावरण से संबंधित कई जानकारी साझा की। रवि नारनौरे ने कहा कि हरियाली मानव जीवन का मूल आधार है, वृक्ष धरा का भूषण है, धरती पर प्राण वायु यानी ऑक्सीजन का इकलौता जरिया वृक्ष है। इसके भाव में मानव जीवन का कल्पना करना बेकार है। पर्यावरण की उपेक्षा से लोगों की औसत आयु घट रही है। पर्यावरणवादियों के अनुसार भूकंप, सूखा, ओलावृष्टि आदि पर्यावरण के दोहन का नतीजा है। पर्यावरण की अनदेखी से ही ये सारी समस्याएं आती हैं। मानव जीवन को पेड़ लगाकर ही बचाया जा सकता है। हमारे सृजन युवा संगठन लांजी किरणापुर अपने स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई कार्यक्रम चलाते आ रहे हैं। रवि नारनौरे ने यह भी बताया कि हमारे सृजन युवा संगठन के द्वारा प्रत्येक पंचायतों में वृक्ष लगाया गया है। संगठन के तहत पंचायत भवन, विद्यालय, मंदिर परिसर, प्रखंड के सह अंचल कार्यालय परिसर सहित सड़क के किनारे आम, कदम्ब व कीमती लकड़ियों के पौधे लगाए गए हैं। प्रबुद्ध जनों के मुताबिक पर्यावरण को स्वच्छ रखने में वृक्ष अहम भूमिका निभाती है, इसलिए हमें खाली पड़े जमीन पर वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। MPCD 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रवि नारनौरे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? आज ग्राम बेनेगांव के मुख्य धाम में सभी युवाओं के साथ मिलकर हम वृक्ष लगाते हैं प्रति वर्ष। इस वर्ष भी आज विश्व पर्यावरण के दिवस में आज लगाया जा रहा है मुख्य धाम में। तो क्या पर्यावरण दिवस के दिन ही लगाते हैं कि हमेशा क्षेत्रों में आपके द्वारा? हमारा उद्देश्य है कि हमारा पृथ्वी हमारी शुद्ध रहे, इसलिए हम प्रति दिन भी लगाते थे, पर अभी गर्मियों का सीजन है इसलिए समय समय पर लगाते हैं। तो ये वृक्षारोपण करने के बाद में आप इसमें पानी वगैरह हमेशा देते रहते हैं? हमारा उद्देश्य है लगाना और उन्हें जगाना, हमारा उद्देश्य है लगाना, हमारा उद्देश्य नहीं है। तो ये क्या सिलसिला क्षेत्रों में आपके द्वारा लगातार किया जाता है? लगातार हमारी इच्छा है कि इस बार सभी युवाओं के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में करने की हमारी इच्छा है। मट्टी पूरा फावड़ा लग गया। ओ छोटू फावड़ा देना था उसको, भैया को फावड़ा। ये काफी घूम करके